अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर फातिमा खानम। आई एम क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट। आई डील विद ऑल काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। टुडे द टॉपिक इज़ क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। क्लॉटिंग ये है कि बेसिकली इट्स अ वेरी कॉमन इशू, लेकिन ये कि शायद इस पर बहुत ज़्यादा तफसील से बात नहीं की जा सकती। क्लॉटिंग क्या है? क्लॉटिंग ये है कि आपके खून का गाढ़ा होना, कि खून के गाढ़े होने की क्या वजह हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब चीज़ों की, इनकी रीजंस की, पेशेंट की सिम्टम्स की, कि पेशेंट हमारे साथ कैसे प्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। रीजंस क्या हैं? रीजंस पहले कुछ हमारी कंजेनिटल रीजंस हैं, इनहेरिटेड रीजंस हैं जो कि हमने विरासत में ली। वो ये होते हैं कि हमारी बॉडी में सर्टन प्रोटीन्स हैं, उनकी मिकदार की कमी या ज़्यादती जो है ब्लड के हमारे हीमोस्टेसिस का मतलब ये है कि आपके एक बैलेंस होता है जिसमें एक तरफ खून आपका पतला है और एक तरफ खून आपका गाढ़ा है। इट्स अ ब्यूटी थिंग कि आपकी खून में एक इक्विलिब्रियम आपका बैलेंस रहना चाहिए। अगर उसमें से कोई एक चीज़ भी कम या ज़्यादा हो जाए तो वो वजह बन जाती है, या आपका खून पतला हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या आपका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। वो लोग जिनमें इनहेरिटेड ये चीज़ अवेल करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनमें यंग एज में पेशेंट कंप्लेंट करेगा सडन ऑनसेट ऑफ द पेन, चेस्ट में एक शदीद किस्म की दर्द उठी और उसके बाद पेशेंट ब्रेथलेस हो गया। इसका मतलब ये है कि उसमें लंग्स में उसका कहीं क्लॉट बना है। दूसरी कंप्लेंट ये की कि पेशेंट ने ट्रैवलिंग बहुत लंबी की है, या कुछ फ्लाइट का ड्यूरेशन इतना ज़्यादा था कि उसके बाद उसकी एक टांग सूज गई है, और वो टांग इतनी सूज गई है कि उसके बाद स्वेलिंग और उसके बाद वो टांग रेड होना शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि वो क्लॉट जो है वो उसकी टांग में बना है। दूसरे तरह के मरीज़ वो हैं जो हमारे कैंसर्स के पेशेंट्स हैं, जो हमारे कैंसर फाइटर्स हैं, या जो हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनमें ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस इज़ थ्रू ब्लड टेस्ट। ब्लड के टेस्ट की बेस पे हम पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि ये वो मरीज़ हैं कि जिनमें क्लॉट बनने की टेंडेंसी है या नहीं है, या वो पेशेंट जिनमें एक दफ़ा क्लॉट बन गया है कि अब उसको हमने कितना अरसा इलाज करना है और कितना अरसा इलाज पे डालना है। ट्रीट कैसे किया जा सकता है? ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे कि उनका खून पतला हो जाए और दोबारा से खून की एक जो फ्लो है वो स्टार्ट हो जाए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में प्रेगनेंसीज के बाद, स्पेशली फीमेल्स में प्रेगनेंसीज के बाद, जो उनका हम डिलीवरी के बाद के जो 40 डेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरी वो फीमेल्स जो कि PCOS के साथ आती हैं, या फिर ये कि वो OCPs कोई हमल को कंट्रोल करने की दवाइयाँ ले रही हैं, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स ले रही हैं, वो फीमेल्स प्रोन होती हैं ब्लड के क्लॉट बनने की। या तीसरी कॉज जो हमने सबसे पहले डिस्कस की, इनहेरिटेड कॉज, के जिसमें आपकी प्रोटीन के लेवल्स प्लस या माइनस होते हैं, वो लोग प्रोन होते हैं। लेकिन अगर हम इसको बार वक्त डायग्नोज कर लें तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं। पेशेंट को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक से बचा सकते हैं, पेशेंट को हम फालिज से बचा सकते हैं। डायग्नोसिस थ्रू ब्लड टेस्ट है, और साथ ही उसको फिर हम ब्लड थिनर, उस दवाई को जिसको हम पेशेंट को डालते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लड थिनर पे डाल दिया जाता है, और वो ब्लड थिनर फॉर द सर्टन टाइम ड्यूरेशन के लिए होते हैं। कुछ लोगों को हम 3 मंथ्स के लिए देते हैं, कुछ लोगों को 6 मंथ्स के लिए देते हैं, कुछ लोगों को 9 मंथ्स के लिए देते हैं, और कुछ लोगों को अनफॉर्चुनेटली हमें फॉर द होल लाइफ देना पड़ता है। थैंक यू सो मच।